हाय गाइस, आई एम आदित्य अग्निहोत्री। वेलकम टू अवर चैनल वर्ल्ड एक्सप्लोरर। सो वी आर विजिटिंग टुडे अवस्थी प्रोडक्शंस दैट आर मैन्युफैक्चरिंग बायो फर्टिलाइजर्स, कंपोजर्स, नेचुरली ऑर्गेनिक, फ्रॉम नेचुरली ऑर्गेनिक मेथड्स सच एज डंग एक्सेट्रा वगैरह। चलिए तो शुरू करते हैं, इनसे मिलते हैं। तो ये हैं अनूप अवस्थी, यहाँ के प्रोडक्शन मैनेजर। चलिए तो इनसे बात करते हैं। अच्छा, तो आप कैसे ये बनाते हैं सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स? मैं जैविक चीज़ों से बनाता हूँ। अपने यहीं पे छोटे मोटे पेड़ लगाए, सब्जी लगाई है मैंने घर के लिए खाने के लिए, और फल के पेड़ लगाए हुए हैं, तो उनमें प्रयोग करता हूँ। जैविक ही चीज़ों से बनाता हूँ, क्योंकि गोबर हो गया, इन चीज़ों से बनाता हूँ। अच्छा, तो आज फिर अपन क्या बनाएंगे? आज मैं जीवाणु वर्धक बनाऊँगा, मतलब जीवाणु जिससे मिट्टी में जीवाणु ज़्यादा पैदा होंगे, जो अच्छे जीवाणु हैं, मतलब बैक्टीरिया जो अच्छे बैक्टीरिया। तो बेनिफिट्स क्या है फिर उसमें? जैसे मान लो बैक्टीरिया अगर अच्छे होंगे बैक्टीरिया, तो उर्वरा शक्ति बढ़ेगी। अभी मैं छोटे रूप में प्रयोग कर रहा हूँ इसका, बाद में फिर बड़े रूप में भी प्रयोग करूँगा इसका, लेकिन अभी स्टार्टिंग की है मैंने, और बड़े रूप में प्रयोग करूँगा इसके बाद। अच्छा, तो फिर चलिए आप देखते हैं क्या क्या कंपाउंड्स इसमें मिलते हैं, क्या क्या सामान मिलाया जाता है, और फिर देखते हैं क्या बनाते हैं। सही। अच्छा, तो आज अपन क्या बना रहे हैं? आज मैं, जैसे मैंने आपको बताया पहले, जीवाणु वर्धक बना रहा हूँ, तो वो बनाएंगे आज अपन। तो उसमें कितना क्या सामान डलता है और कितने दिन तक रखना पड़ता है? सामान को तो 1 से 1.5 किलो गोबर लेना है, और 150 ग्राम गुड़ लेना है, 150 ग्राम वो बेसन लेना है, और 1 या 1.5 किलो के समथिंग मिट्टी लेना है, काली मिट्टी, वो भी पेड़ के नीचे से, जहाँ कोई भी रासायनिक खाद ना डाला गया हो, या खेत की भी ले सकते हैं जहाँ नहीं आपने प्रयोग किया है। और 17 लीटर पानी लेना है, मतलब 70 लीटर का पूरा घोल बनाना है आज अपन को, और 21 दिन तक उसको रखना है। 21 दिन के बाद आप उसको प्रयोग कर सकते हैं अपनी मिट्टी में, कैसे भी प्रयोग करना चाहें आप, छिड़काव के द्वारा भी कर सकते हैं उस लिक्विड का, और अगर आप चाहें तो पानी जो लगातार, मतलब साथ में आप पानी लगाते हैं उसमें खेतों में, तो उसमें भी लगा के प्रयोग कर सकते हैं। चलिए तो देखते हैं आज क्या क्या सामान मिला रहे हैं। चलिए तो फिर आज बनाते हैं उर्वरक शक्ति या फर्टिलाइजर। आज जैसे पानी जो लिया है हमने 17 लीटर पानी लिया है, हमने मटकी में बनाया है इसको, तो 17 लीटर पानी डालेंगे पहले इसमें, एक बाल्टी ये 10 लीटर की है, और जिस आप किसी से भी नाप कर सकते हैं, तेज बोलो, और नाप करने के बाद डाल दिया 1.5 किलो गोबर की मात्रा ली है, इसको डालेंगे अपन इसमें, पूरा डालने के बाद तो 500 ग्राम में 1 किलो के समथिंग मात्रा मिट्टी डाल देना है जी इसमें, जो रसायन मतलब इसमें प्रयोग ना हुआ हो, पेड़ के नीचे की काली मिट्टी। और अब गुड़, क्योंकि थोड़ा सा मैं 300 ग्राम बेसन और गुड़ का मिक्सचर बनाया है अपन ने, जो डालेंगे अब उस बोल में जो अभी डाला है हमने गोबर और मिट्टी वाला, अब उसमें भी हम को ये मिक्सचर जो बनाया हमने अच्छे से मैश कर लेना है, जितना हो सके उतना मिलाएं अच्छे से, हाँ 1 लीटर गोमूत्र डालना है इसमें, 1 लीटर गोमूत्र डालने के बाद अब फिर इसको अच्छे से मैश कर देंगे। 21 दिन तक रखना है ऐसे, 21 दिन के बाद हम खेतों में या सब्जी में या फलों में कहीं भी यूज कर सकते हैं आप, जितनी ज़्यादा मात्रा बनानी है, अभी थोड़ी सी मात्रा बनाइए। वैसे जैसे मैंने यूज किया है, सब्जी लगाई है भिंडी यहाँ पे, तो मैं अपनी भिंडी में यूज कर रहा हूँ, भिंडी और लौकी मेरे को लगाना है अभी उधर, और ये गन्ना भी लगाया है मैंने, पपीते भी लगाए हुए हैं, और बिही का पेड़ भी मैंने लगाया है, तो मैं पहले बिही के पेड़ में ही मैंने प्रयोग किया था इसका सबसे पहले। तो यही है मेरी जेब टेक्निकों में, जैविक खेती करिए आप, रसायन खेती से दूर रहिए, क्योंकि आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा रहेगा, और मिट्टी के स्वास्थ्य के लिए अच्छा रहेगा, और पर्यावरण के लिए अच्छा रहेगा, तो सब कुछ अच्छा ही अच्छा रहेगा अगर आप जैविक खेती का प्रयोग करते हैं।